हमारे देश में शिक्षा संस्थान जहां बच्चों को उच्च शिक्षा और खेलकूद के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को बेस्ट शिक्षा खेलकूद के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटी के लिए मशहूर है। जी हां, हाल ही में ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल ने नई प्रसिद्धि हासिल की है, जिसमें बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में गो कॉस्मो का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें करीब 30,000 स्टूडेंट्स ने खगोल शास्त्र के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। इस एस्ट्रोनॉमी फेयर में एलियन एनकाउंटर, प्लैनेटरी पॉन्डर, ग्रेविटेशनल जिम, कॉमेट क्राफ्टिंग, कॉस्मिक कोलाइटर, वर्चुअल वॉयसर, स्टेलर स्पेक्टिकल, स्टार सीकर और स्पिनिंग स्पेसशिप वर्कशॉप जैसी गतिविधियां शामिल की गई है। इस एस्ट्रोनॉमी फेयर का उद्देश्य बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अंतरिक्ष की आकर्षक संकल्पनाओं की गहरी समझ पाने के लिए प्रोत्साहित करना है। गुरुग्राम NCR में शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए मशहूर ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में एक असाधारण एस्ट्रोनॉमी फेयर गो कॉस्मो योर टिकट टू स्पेस को शुरू करने की घोषणा की है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का आयोजन 21 जून से 23 जून तक ऑर्किड सेक्टर 113 स्थित कैंपस में किया जाएगा। ये सभी उम्र के अंतरिक्ष के शौकीनों को एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा, जिसमें इंटरैक्टिव गतिविधियां, शैक्षणिक सत्र और सीखने के आनंददायक अवसर होंगे। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई में शानदार सफलता के बाद गो कॉस्मो अब दिल्ली NCR में आया है। गो कॉस्मो ने अब तक करीब 30,000 छात्रों को आकर्षित किया है, जिन्होंने खगोल शास्त्र के प्रति अपना प्यार जताया है। ऑर्किड्स के 100 से ज़्यादा स्कूल्स हैं पूरे देश भर में, और हमने एस्ट्रोनॉमी का करिकुलम क्लास 3 से क्लास 10 के बच्चों के लिए रखा हुआ है। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली साइंस और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है, पर बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि एस्ट्रोनॉमी में एक्चुअली होता क्या है। हम चाहते हैं इस फेयर के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सपोजर दे पाएँ कि एस्ट्रोनॉमी में है क्या। साइंस और मैथ्स तो बेस है ही सही, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में हम क्या क्या दिखा सकते हैं, प्लैनेट्स के बारे में अलग अलग चीज़ें, मौसम कैसे बदलता है, सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, क्या उनकी पोजीशन मूव होने से क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, इंसानों के ऊपर, ये सब चीज़ की पढ़ाई से क्या कर सकते हैं वो आगे जीवन में, ये हम सिखाना चाहते हैं इस फेयर के माध्यम से। ये हमने बिल्कुल निःशुल्क रखा है ताकि ऑर्किड्स के अलावा और बच्चे भी आके देख पाए। हमने 7 शहरों में ये किया हुआ है ऑलरेडी, बच्चों के अलावा भी और भी बच्चे हाँ, प्री प्राइमरी से लेके 12वीं कक्षा तक के कॉलेज के बच्चों तक को एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है कि होता क्या है। हमारा प्लैनेटेरियम है जिसके अंदर एक शो चल रहा है 20 मिनट का, जिसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं, स्पेस में रिसर्च क्या हुई है लेटेस्ट उसके बारे में हम बता रहे हैं। वो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, मेरी गुजारिश है आप ज़रूर उसको देखें। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।